अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने एजुकेशन में पेज नंबर 5 की रीडिंग करनी है। इस्लामी तसव्वुर, तालीम का इस्लामी तसव्वुर हमने टॉपिक कंटिन्यू किया था। अभी थोड़ा सा ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। तालीम का इस्लामी तसव्वुर। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, जो कि हमने कंटिन्यू तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा कंप्लीट करने वाला रह गया था। आज इसे कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 5 और 6, दो पेजेस पे इसे हमने करना है। ठीक है, 5 की रीडिंग हो गई थी, थोड़ा सा रह गया था, और 6 का आज हम कंप्लीट करेंगे। तो तालीम का इस्लामी तसव्वुर क्या था कि माशरे का ज़िंदगी के बारे में एक जुदा गाना और अलग नज़रिया है। ठीक है, हर माशरे में क्या होता है कि ज़िंदगी के बारे में एक जुदा गाना नज़रिया होता है, जिसे जिसे कौम का नज़रिया हयात या आइडियालॉजी कहते हैं। ये हमने कल रीडिंग की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हर माशरे के बारे में जो है एक जुदा गाना और अलग नज़रिया होता है, और इसे इस कौम का नज़रिया हयात कहा जाता है या फिर आइडियालॉजी कहा जाता है। तो कौमी तालीम और निज़ाम तालीम इसी नज़रिया हयात से जन्म लेते हैं, यानी कि कौमी तालीम और निज़ाम तालीम जो हैं, कौन से नज़रिए से कि जुदा गाना नज़रिया, नज़रिया हयात या आइडियालॉजी, इसी से ही कौमी तालीम और निज़ाम तालीम जन्म लेते हैं। तो इसके लिए इस्लामी तालीम को, इस्लामी तसव्वुर तालीम को समझने के लिए इस्लामी नज़रिया हयात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं, आगे देखते हैं इसके, कि दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं है। अब हो रही है बात मज़हब की। ठीक है, मज़हब के बारे में बात हो रही है कि दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है कि जिस जहाँ पे ये तालीम ना दी जा रही हो, जिसने इल्म को अहमियत ना दी हो, यानी कि दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं कि जिसने इस कदर जो है इल्म को अहमियत देते हैं हर मज़हब के। ठीक है, हर मुआशरे में अहमियत दी जाती है, लेकिन जिस कदर इस्लामी माशरे में इल्म को अहमियत दी जाती है, इतनी अहमियत किसी और मज़हब में नहीं दी जाती। और कुरान पाक ने हमें बताया है कि इंसान ने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ जहालत से नहीं बल्कि इल्म से आरास्ता होकर किया। यानी कि कुरान पाक से हमें पता चलता है, किसके ज़रिए से? कुरान पाक के ज़रिए से पता चलता है कि जो है दुनिया का आगाज़ जो है ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़, ये ज़िंदगी शुरू हुई, ज़िंदगी शुरू कब हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में आने से पहले, बसात खुद अल्लाह ताला ने, सबसे उस्ताद अव्वल हमारे जो कौन है? अल्लाह ताला। ठीक है, उस्ताद अव्वल का दर्जा किसको हासिल है? अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला ने तालीम दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, अशिया के इल्म के बारे में सिखाया। तो जो थे इंसान की शुरुआत जब हुई, ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ हुआ, तो जो है इसका जहालत से नहीं हुआ था, बल्कि इल्म की रोशनी से आरास्ता होकर हुआ था। और ये अहमियत जो थी, जो है इल्म की ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों और दूसरी मखलूकात पर इसकी फजीलत कायम फरमाई। अब ये इल्म है जिसकी बदौलत इंसान को फरिश्तों पर और दूसरी जितनी भी मखलूकात हैं, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा मखलूकात हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो हमें दे नज़र भी नहीं आती, हम उन्हें देख भी नहीं सकते, जैसे मलाइका हैं, जिन्नात हैं। तो तमाम मखलूकात में इंसान को फजीलत दी, किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत, यानी कि इंसान ने इल्म हासिल किया, और इस इल्म की बदौलत इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया, और उसको फजीलत दे दी गई इंसानों पर, सॉरी मलाइका पर, फरिश्तों पर और तमाम मखलूकात पर। कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म पढ़ने और लिखने के बारे में आया है, यानी कि सबसे पहला हुक्म जो है क्या दिया गया है कि पढ़ना और लिखना, इसके बारे में जो है हुक्म दिया गया है।
पहले उसमें आयत में है ना कि इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो यानी कि कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म क्या दिया गया है? पढ़ना और लिखना। और इसीलिए जहाँ दुनिया की तरक्की याफ्ता तहजीबें तालीम के हसूल को इंसान का हक मानती हैं, यानी कि अगर देखा जाए दुनिया में नज़र दौड़ाई जाए, मालूम अगर ली जाए, तो क्या है कि जहाँ दुनिया की तरक्की याफ्ता तहजीबें तालीम के हसूल को इंसान का हक मानती हैं, वहाँ इस्लाम इलम के हसूल को फ़र्ज़ करार देता है। यानी कि दुनिया में क्या समझा जाता है, दुनिया के जो कौमें हैं, तरक्की याफ्ता तहजीबें जो हैं, उन वहाँ पे तालीम हासिल करना इंसान का हक समझा जाता है। यानी कि एक हक के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमारा हक है, हमने तालीम हासिल करनी। लेकिन इस्लाम ने तालीम को इल्म हासिल करने को फ़र्ज़ करार दे दिया है, यानी कि लाजमी करार दे दिया है कि ये लाजमी होनी चाहिए। और ये याद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर नाफे इलम से बचने और नाफे इलम में इजाफे की दुआ फरमाते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर नाफे, यानी कि ऐसा इलम कि जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित, तो ऐसा इलम हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा इलम हासिल करना चाहिए कि जिससे हमारा जो है हम अच्छे इंसान बन सके। तो इल्म नाफे इलम में इजाफे की दुआ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी दुआ थी इल्म के बारे में कि रब्बे जिदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ अक्सर फरमाते रहते थे, करते रहते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज़्यादा इल्म था अल्लाह ताला की वही की शक्ल में, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ यही करते थे, और बहुत प्यारी इस दुआ को वो समझते थे कि रब्बे जिदनी इल्मा, यानी कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इस्लाम बराए इल्म का, इलम बराए इलम का कायल नहीं, यानी कि इस्लाम जो है इलम बराए इलम का कायल नहीं है, और ना ही इलम को दीनी इलम और दीनी इलम के खानों में तकसीम करता है। यानी कि इस्लाम जो है इलम को इसने अलग अलग इसके हिस्से नहीं बनाए कि दीनी हिस्से अलग और दीनवी इलम जो है वो अलग है, बल्कि दीन और दुनिया का तसव्वुर इस तरह पेश करता है कि दीन दुनिया से अलग कोई चीज़ नहीं है। यानी कि ये नहीं बताया गया कि ये अलग तालीम है, ये अलग तालीम है, बल्कि ये कहा गया है कि दीन और दुनिया दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मंजूम है, और ये दोनों अलूम जो हैं एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी कि दीन जो है वह दुनिया से अलग नहीं है। इस्लामी नज़रिया हयात, इस्लामी नज़रिया तालीम के, इस्लामी नज़रिया तालीम के मुताबिक दीन के साथ साथ दीनवी तरक्की की राहें भी खुली हैं। अब जिस तरह जो है दीन की जो तरक्की हुई है, तो दीनवी तरक्की जो है, ठीक है, उसकी राहें भी खुली हैं। इल्म की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने पहली वही में हुक्म दिया कि पढ़ अल्लाह के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, यानी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। यानी कि इल्म की अहमियत की पेश नज़र पहली वही क्या थी? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इस हुक्म की अहमियत के पेश नज़र मुसलमानों को गोद से गोर तक तालीम के हसूल का हुक्म दिया गया है। यानी कि इस वही के पेश नज़र, इस हुक्म की अहमियत के पेश नज़र क्या हुक्म दिया गया? पढ़, यानी कि अपने रब के नाम से पढ़। तो क्या उसके इसी अहमियत को, इसी हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए मुसलमानों को इल्म हासिल करने की ताकीद की गई है, और कब से कब तक? यानी कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने से पहले तक, ठीक है, इल्म हासिल करो। और इल्म हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े। तो चीन उस वक्त जो था पुराने ज़माने में बहुत दूर दराज समझा जाता था, ठीक है। आजकल के दौर में तो बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में चीन का सफ़र सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन सफ़र होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो इसके लिए चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इस्लामी नज़रिया नुक्ता नज़र से मुसलमानों की तालीम का ताल्लुक इस इल्म से है जिसका सर चश्मा ज़ाते इलाही है। अगर देखा जाए तो इस्लामी नज़रिया जो है, नुक्ता नज़र जो है, उससे मुसलमानों की तालीम जो है उसका इस ताल्लुक इलम के उस सरचश्मे से है कि जिसका सरचश्मा ज़ाते इलाही, यानी कि इलम शुरू हुआ अल्लाह ताला की ज़ात से। तो ये वही का इलम है। कौन सा इलम है ये? अल्लाह ताला के ज़रिए जो अंबिया इकराम तक जो इलम आता गया वो वही का इलम है, और जो कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला के तमाम अहकाम मौजूद हैं और क़यामत तक वो महफूज रहेंगे। तो
तो ये इलम जो है हमारे पास कुरान पाक की शक्ल में मौजूद है। मुसलमानों की तालीम का ताल्लुक जो है इस्लाम सिर्फ वही के इलम को कतई और हतमी करार देता है, यानी कि इस्लाम की नज़र में वही का इलम जो है वो जो है कतई और हतमी, हतमी यानी कि आखिरी, ठीक है, उसके बाद कोई और गुंजाइश नहीं। इस्लाम ने सिर्फ वही के हुक्म को ही हतमी और कतई करार दिया है। हवास और अकल के अलावा दूसरे ज़राए इलम का सेहत इम्कानी है। इन अलूम पर इन्हिसार ऐसी सूरत में मुमकिन है जब ये वही के ज़रिए हासिल होने वाले इलम से मुतसादिम ना हो। मुतसादिम क्या होता है? टकराना, एक दूसरे के साथ झगड़ना। तो ऐसे इलम जो है, दूसरे अलूम जो है उनका ताल्लुक जो है इसी, उसका इन्हिसार जो है ऐसी सूरत में मुमकिन है कि दोनों को एक दूसरे के से नुकसान ना पहुँचे। अगर ये इलूम वही से मुतसादिम हों तो उनको ठुकरा दिया जाए। अगर ऐसे इलूम आप हासिल कर रहे हैं जो कि वही के मुतसादिम हैं, यानी कि उसके मुतजाद हैं, उसके उलट हैं, उसकी वजह से उस पर कोई हर्फ आने, वही पे हर्फ आने की जो वजह बन रही हैं, तो ऐसे इलूम को हासिल करने से बेहतर है कि उनको ठुकरा दिया जाए, उनसे इज्तनाब किया जाए, उन्हें हासिल ना किया जाए। तालीमी सरगर्मियों का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को समझ सके। अब तालीमी सरगर्मियों का मकसद क्या है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक, तालीमी सरगर्मियों का मकसद इंसान अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक समझ सके। यानी कि तालीमी सरगर्मियों का मकसद क्या है कि इंसान जो है अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक समझ सके कि हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या ताल्लुक है। और मार्फत इलाही और रज़ा इलाही के लिए कोशा रहे। और इंसान का क्या फ़र्ज़ है कि वो मार्फत इलाही यानी कि अल्लाह ताला की पहचान, मार्फत इलाही और रज़ाए इलाही यानी कि अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह ताला की खुशनुदी, रज़ाए इलाही के लिए कोशां रहे, यानी कि उसकी कोशिशें जो हैं मार्फत इलाही और रज़ाए इलाही के लिए हों। और माशरे की नशोनुमा का अहतमाम करना भी तालीम का एक अहम फ़र्ज़ है। यानी कि तालीम का एक फ़र्ज़ जो है, फ़र्द की नशोनुमा तो करता ही है, लेकिन फ़र्द के साथ साथ जो है माशरे की नशोनुमा का अहतमाम करना भी तालीम का एक अहम मकसद है। फिर उसके बाद है कि मुसलमान मुफक्किरीन में से अल्लामा इकबाल, जो मशरिक़ और मगरिब के उलूम में गहरी बसीरत रखते थे। अल्लामा इकबाल के बारे में अब बात हो रही है कि अल्लामा इकबाल कौन कौन से उलूम में गहरी बसीरत रखते थे, यानी कि बहुत गहराई तक उन्होंने वो इल्म हासिल किए थे कि मशरिक़ और मगरिब, मशरिक़ और मगरिब, यानी कि उन्होंने यहाँ तक उन्होंने जो है इल्म हासिल किया था, गहरी बसीरत रखते थे, इनके उलूम में गहरी बसीरत रखते थे। अल्लामा इकबाल की गहरी बसीरत किस में थी? मशरिक़ और मगरिबी उलूम में। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर इलम की कुव्वत दीन के ताबिया हो जाए, यानी कि अगर इलम की कुव्वत जो है दीन के ताबिया हो जाए तो क्या हो, यानी कि नोहे इंसानी के लिए सरापा रहमत है। अगर इलम की कुव्वत जो है दीन के ताबिया हो जाए तो वो नोहे इंसानी के लिए सरापा रहमत है। और ये भी याद रहे कि इस्लाम का तसव्वुर दीन मगरिब के तसव्वुर मज़हब की तरह सिर्फ प्रस्तिश की रस्मों तक महदूद नहीं है, यानी कि इस्लाम का जो तसव्वुर दीन है, इस्लाम तालीम का इस्लामी जो तसव्वुर है वो दूसरी मज़ाहिब की तरह सिर्फ प्रस्तिश या इबादत, ठीक है, इबादत की रस्मों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद ज़िंदगी के हर शोबे को अल्लाह की रज़ा के ताबिया बनाना है। दूसरे मज़ाहिब में क्या है कि अपने जो खुदाओं को जिस तरह जिसकी वो प्रस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, उनको खुश करने के लिए इबादत करते हैं और उसी के लिए इल्म हासिल करते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है कि जो है मगरिब के तसव्वुर मज़हब की तरह सिर्फ प्रस्तिश की रस्मों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका मकसद जो है
इस्लामी तालीम का तो जो तसव्वुर है, जो मकसद है, वो ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करना है और अल्लाह ताला की रज़ा के ताबिया बनाना है। फिर उसके बाद है इमाम गज़ाली, ये बात हो रही थी अल्लामा इकबाल की, अब है इमाम गज़ाली, मुफक्किर थे, ठीक है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो थे, बहुत बड़े मुफक्किर और माहिर तालीम थे, यानी कि एक्सपर्ट थे तालीम के। तो तालीम के तसव्वुर की वजाहत करते हुए इमाम गज़ाली ने फरमाया कि तालीम ऐसा ज़रिया है कि जिसकी मदद से इंसान जो है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है, यानी कि तालीम के ज़रिए से, तालीम के ज़रिए से क्या होता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होना। तालीम, इमाम गज़ाली ने क्या कहा कि तालीम के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जा सकता है। और तालीम के मफहूम की वजाहत करते हुए उन्होंने ये बताया कि अगर कोई शख्स सिर्फ इस गर्ज़ से इल्म हासिल करे कि वो दुनिया में आला मर्तबा हासिल कर सके, या इल्म के ज़रिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के हसूल को ज़िंदगी का शुआर बनाए, तो ऐसा शख्स आखरत में अपने आप को अल्लाह ताला के गज़ब से नहीं बचा सकता। यानी कि तालीम हासिल करने का अगर गलत मकसद है, और ये इसका मकसद ये है कि दुनिया में वो सिर्फ आला मुकाम हासिल करे तालीम हासिल करने के बाद, या फिर इल्म के ज़रिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात का जो है उसका हसूल को अपनी ज़िंदगी का शुआर बना ले, यानी कि इल्म इसलिए हासिल किया कि अब एक तो अपने आप को बुलंद मरतबे पर फाइज करना, और दूसरा कि उसकी बदौलत जो है वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील करे। तो ये जो है, अगर इस तरह इंसान के जो है ख्यालात होंगे, तो इससे क्या होगा कि ऐसा शख्स आखरत में अपने आप को अल्लाह ताला के गज़ब से नहीं बचा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इल्म को नेक कमाल के लिए ही हासिल किया जा सके, और ज़िंदगी के हर शोबे में जो है अल्लाह ताला की रज़ा के ताबिया होना चाहिए। फिर उसके बाद बात हो रही है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बेहतरीन उस्ताद है, ठीक है, तो आपने कहा कि मुझे बेशक मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि इल्म मुसलमान की गुमगुश्ता मीरास है, जहाँ भी मिले उसे हासिल करो। यानी कि इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही आला डिपार्टमेंट होंगे तो आप इल्म हासिल करो, बल्कि जहाँ से भी इल्म हासिल हो रहा है उसे हासिल करो। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तालीमी इदारों का निसाब ऐसा होना चाहिए जो नाफ़े हो, और तालिब इल्म में ऐसा तर्ज फिक्र पैदा करे जो उनको ये शऊर दे कि कायनात की कुव्वतों की तस्खीर मुमकिन है, जिससे बनीनो इंसान फ़ायदा उठा सके। यानी कि यही साइंसी शऊर है जो कि अल्लाह ताला ने अपने नाई पर पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से कबल, व अल्लामा आदम अलस्माओ कुल्लाहा, यानी कि और हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमान तालिब इल्म को ये ताकीद भी फरमाई है कि ये दुआ करते रहो रब्बे ज़िदनी इल्मा, यानी कि ए रब मेरे, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये बेटा आज का हमारा जो था तालीम के तस्वुर, ये हमने आज इसकी रीडिंग की है। अब मैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन नोट करवाती हूँ, आप प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा और आंसर्स जो है अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। आज हमने पेज नंबर 5 और 6 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन करने से ये होता है कि आपको जो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर उसी के बारे में आ जाए तो आप फिर ईजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखें सवाल नंबर 1 है कि इल्म की अहमियत। पेश नज़र अल्लाह ताला ने पहली वही में क्या हुक्म दिया है? अब इसका आंसर देखें बेटा, पेज नंबर 6 पर है, फ़र्स्ट लाइन, इलम की अहमियत के पेश नज़र यहाँ से लेकर और तालीम के हसूल का हुक्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें बेटा।
इस्लाम कैसे इल्म को कतई और हतमी करार देता है? इस्लाम कैसे इल्म को कतई और हतमी करार देता है? इसके लिए आप देखें सेकंड लाइन पेज नंबर 6 की, इस्लामी नुक्ते नज़र से मुसलमानों की तालीम, ठीक है, यहाँ से लेकर, और सॉरी यहाँ फोर्थ लाइन में देखें बेटा, इस्लाम सिर्फ वही के इल्म को हती और कतई जो है करार देता है, हतमी करार देता है, और हवास और अक्ल के अलावा, यहाँ से लेकर, यहाँ से शुरू करें ना, इस्लाम सिर्फ वही के इलम को, ठीक है, यहाँ से लेकर तो उनको ठुकरा दिया जाए, जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें बेटा, तालीमी सरगर्मियों का मकसद क्या है? अब पूछा गया कि तालीमी सरगर्मियों का क्या मकसद है, तो सेकंड पैराग्राफ में देखें, सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट जो है इसमें आ जाएगा कि तालीमी सरगर्मियों का मकसद सिर्फ ये है, यहाँ से लेकर माशरे की नशोनुमा का एहतमाम करना और तालीम का एक अहम मकसद है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्लामा इकबाल किस तरह के उलूम में गहरी बसीरत रखते थे? अल्लामा इकबाल के बारे में पूछा गया कि किस तरह के उलूम में गहरी बसीरत रखते थे, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि मशरिक और मगरिब दोनों उलूम में ही गहरी बसीरत रखते थे, तो यहाँ बेटा आप इसका देखिएगा जो है थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से, अल्लामा इकबाल जो मशरिक और यहाँ से लेकर हर शोबे को अल्लाह ताला के रज़ा के ताबे बनाना है, यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इमाम गजाली ने, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इलम के हसूल के बारे में क्या फरमाया? इमाम गजाली के बारे में बात हो रही तो उन्होंने क्या फरमाया इमाम गजाली ने, इसके देखिएगा पे जो है फोर्थ पैराग्राफ, इमाम गजाली जो बहुत बड़े मुफक्कर और माहिर तालीम थे, यहाँ से लेके और अल्लाह के गज़ब से नहीं बचा सकता, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो ये बेटा क्वेश्चंस नोट कर लें, इनके आंसर जो है बुक मार्क कर लीजिएगा और इनको याद भी कीजिएगा, लिखिएगा भी, ताकि आपको जो है साथ साथ आपकी लर्निंग होती रहे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।